स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? ए, उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। बी, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी पर चिंताओं के कारण। सी, ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। डी, उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। आंसर बी, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी पर चिंताओं के कारण। एक्सप्लेनेशन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आरबीआई का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक दी। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ए, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना। बी, गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट करना। सी, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। डी, लापता व्यक्तियों का पता लगाना। आंसर सी, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। एक्सप्लेनेशन, एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप नए और पुराने आपराधिक कानूनों को जोड़कर नई न्याय प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। ये देश के नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन भी करेगा। अगला प्रश्न। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए, 13 मार्च। बी, 14 मार्च। सी, 15 मार्च। डी, 16 मार्च। आंसर सी, 15 मार्च। एक्सप्लेनेशन, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है? ए, तमिलनाडु। बी, गुजरात। सी, पश्चिम बंगाल। डी, महाराष्ट्र। आंसर ए, तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, ये तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी योजना है। नींगल नालामा योजना मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार का अपनी सेवाओं में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसके कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ए, असम। बी, बिहार। सी, मध्य प्रदेश। डी, छत्तीसगढ़। आंसर डी, छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशन, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदन योजना शुरू की है। इस बहुचर्चित स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए, तमिलनाडु। बी, कर्नाटक। सी, राजस्थान। डी, ओडिशा। आंसर ए, तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, ट्रैफिक वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण और WWF इंडिया के नए विश्लेषण के अनुसार भारत में शार्क का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 तक देश में लगभग 16,000 किलो शार्क के पंख जब्त किए गए, जिसमें तमिलनाडु में ऐसी घटनाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का स्थान रहा। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में शार्क से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में चेतावनी देना और खतरों व संरक्षण संबंधी चिंताओं को उजागर करना है। अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहां स्थापित किया है? ए, चेन्नई। बी, गोवा। सी, दिल्ली। डी, कोची। आंसर सी, दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। ये दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना का नया अत्याधुनिक मुख्यालय है। नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है। नौसेना पहले 13 अलग अलग स्थानों से संचालन करती थी। अगला प्रश्न। 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक किस पार्टी को 6,060 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले हैं? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बी, बीजू जनता दल। सी, तृणमूल कांग्रेस। डी, भारतीय जनता पार्टी। आंसर डी, भारतीय जनता पार्टी।
एक्सप्लेनेशन। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए के, तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1422 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए, एआईडीएमके को 6.05 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 66 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले। जबकि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को नकदी 1214 करोड़ रुपए मिला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 1999। आंसर सी 1995। एक्सप्लेनेशन, भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस का उद्देश्य टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संक्रामक रोगों के प्रसार को कैसे रोका जाना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। ये दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था, जिस वर्ष भारत ने अपना पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए महमूद अब्बास, बी मोहम्मद मुस्तफा, सी मोहम्मद शतेह, डी मोहम्मद शहबाज। आंसर बी मोहम्मद मुस्तफा। एक्सप्लेनेशन, मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मुस्तफा को नियुक्त किया है। मुस्तफा ने प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह का स्थान लिया। अपनी सरकार के साथ पीएम मोहम्मद शतेह ने फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए की स्थापना 30 साल पहले ओस्लो समझौते नामक अंतरिम शांति समझौते के तहत की गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर सी 7। एक्सप्लेनेशन, 16 मार्च 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। साथ ही उन्होंने 4 राज्यों ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है? ए शीतल देवी, बी प्रमोद भगत, सी अग्नि लखेरा, डी ज्ञानेश कुमार। आंसर ए शीतल देवी। एक्सप्लेनेशन, पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? ए यूपी वॉरियर्स, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी मुंबई इंडियंस, डी दिल्ली कैपिटल्स। आंसर बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एक्सप्लेनेशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता। टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप एलिसे पेरी RCB और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल RCB ने जीता। अगला प्रश्न, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ए नीतीश कुमार, बी एस जयशंकर, सी रामनाथ कोविंद, डी रतन टाटा। आंसर डी रतन टाटा। एक्सप्लेनेशन, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। आंसर सी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सौंदर्यराजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए व्लादिमीर पुतिन, बी दिमित्री मेदवेदेव, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी अलेक्सी नवल्नी। आंसर ए व्लादिमीर पुतिन। एक्सप्लेनेशन, व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल हासिल किया है। चुनाव 15 से 17 मार्च 2024 तक हुआ। इस चुनाव में पुतिन को रिकॉर्ड 87% वोट मिले। इसके पहले के चुनाव में उन्हें 76.7% वोट मिले थे। पुतिन अब 2030 तक रूसी राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे।
अगला प्रश्न, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी सरस्वती सम्मान, सी व्यास सम्मान, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। आंसर बी सरस्वती सम्मान। एक्सप्लेनेशन, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की उपन्यास रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 में प्रकाशित उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? ए टोक्यो, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी बीजिंग। आंसर सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, स्विस संगठन IQA रिपोर्ट 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को 2018 से लगातार 4 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। वहीं बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा तथा भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा। 2022 में भारत को 8वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ DGP मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? ए कनाडा, बी USA, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आंसर बी USA। एक्सप्लेनेशन, भारत और USA के बीच एक द्विपक्षीय त्रि सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हब फेज 18 से 25 मार्च 24 तक निर्धारित है। नेपाल के किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ए विराटनगर, बी पोखरा, सी भरतपुर, डी बीरगंज। आंसर बी पोखरा। एक्सप्लेनेशन, अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को आधिकारिक तौर पर हिमालयी राष्ट्र की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। ये घोषणा 17 मार्च को फेवा झील के तट पर बाराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के उपस्थिति में की गई। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाने वाला पोखरा लंबे समय से नेपाल में एक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। आंसर सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने प्रमुख निवेशकों, नवप्रवर्तकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी जर्मनी, डी डेनमार्क। आंसर ए फिनलैंड। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर बरकरार है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंक में 108वें स्थान पर और श्रीलंका 128वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 23वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी समुद्रीय सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा, डी मलेरिया रोग। आंसर मलेरिया रोग। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना है। याउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। अगला प्रश्न, माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है?
ए असम, बी बिहार, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। आंसर ए असम। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। GI टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स CSK का नया कप्तान किसे चुना गया है? ए ऋतुराज गायकवाड़, बी दीपक चाहर, सी अजिंक्य रहाणे, डी रविंद्र जडेजा। आंसर ए ऋतुराज गायकवाड़। एक्सप्लेनेशन: इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के ओपनिंग मैच से पहले CSK ने अपनी कप्तानी में बदलाव की घोषणा की। महान कप्तान MS धोनी ने ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपना पद छोड़ दिया। अगला प्रश्न: विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। आंसर सी 21 मार्च। एक्सप्लेनेशन: दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। अगला प्रश्न: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया है? ए आवेदकों की कमी के कारण, बी आम चुनाव के कारण, सी महामारी के कारण, डी प्रशासनिक मुद्दों के कारण। आंसर बी आम चुनाव के कारण। एक्सप्लेनेशन: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा 26 मई 2024 को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न: विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। आंसर बी 20 मार्च। एक्सप्लेनेशन: विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के मिले जुले प्रयास के कारण मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस का उद्देश्य गौरैया की आबादी में कमी और उनके संरक्षण की आवश्यकता के मुद्दों को प्रकाश में लाना है। चूंकि गौरैया मनुष्य के इर्द गिर्द रहना पसंद करती है, इसीलिए गौरैया की संख्या में लगातार कमी एक चेतावनी है कि प्रदूषण और रेडिएशन प्रकृति और मानव के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम आई लव स्पैरो है। अगला प्रश्न: हाल ही में फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन: फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में फूलों से मनाया जाता है। ये चैत्र संक्रांति अष्टमी से लेकर अप्रैल वाली बैसाखी तक मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए इन फूलों खासतौर पर फ्योली और बुरांस के फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं। ऐसे करते हुए बच्चे हर घर तक जाते हैं और पूरे गांव सजा देते हैं। इस दिन घोघा देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाती है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। आंसर बी 22 मार्च। एक्सप्लेनेशन: विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। साल 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न: पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए शरद कमल, बी नीरज चोपड़ा, सी मनिका बत्रा, डी सौरभ चौधरी। आंसर ए शरद कमल। एक्सप्लेनेशन: खेल रत्न पुरस्कार विजेता और दो बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए समर्थ, बी आकाश, सी सखी, डी मदद। आंसर सी सखी। एक्सप्लेनेशन, तिरुवनंतपुरम के तुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। अगला प्रश्न, पशुपति कुमार पारस के इस्तीफा के बाद खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए स्मृति ईरानी, बी अनुराग ठाकुर, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी किरण रिजिजू। आंसर डी किरण रिजिजू। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री परिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। अगला प्रश्न, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? ए पुष्पक, बी सार्थक, सी विक्रम, डी आकाशयान। आंसर ए पुष्पक। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से पुष्पक नामक अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था।